Hello everyone, in this video lecture of digital electronics I am going to discuss decimal to binary number conversion in few seconds. ठीक है, तो इसमें हम division वाला method नहीं use करेंगे. Already we have discussed division method in previous videos. तो इसमें हम discuss करेंगे how we can convert decimal number to binary directly. ठीक है, तो start करते हैं. Decimal numbers we all know कि 0 to 9 होते हैं. These are 10 digits. That's why base of these numbers is 10. Means कि radix क्या होती है? Radix बोलो आप या base बोलो आप, decimal numbers की क्या होती है? 10. And in case of binary numbers, there are only 2 digits, 0 and 1, and radix is 2. Clear? Now, अब हम एक example लेते हैं. Suppose हमारे पास 14 है. 14 is in decimal और हमें find out करनी है इसकी binary value. ठीक है? तो for this आपने क्या याद रखना है, एक जनरल इक्वेशन फॉर कन्वर्टिंग एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. सपोज कैपिटल एन इज द डेसिमल नंबर, दिस नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2^2 स्मॉल एन, एंड दिस एन इज द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स. ठीक है, क्लियर? एंड दिस इज द डेसिमल नंबर. क्लियर? Now, in this question, capital N is 14. So now, अगर हम N की value को put करें, 14 is less than equal to 2^4, तो हमें क्या मिलेगा? 14 is less than 16. Means कि ये condition हमारी satisfy हो गई. ठीक? Means कि number of bits कितनी हो गई? 4. Small N की value क्या हो गई? 4. Clear? तो now, अब हमारा क्या है? जब binary में numbers लिखते हैं, हमारे पास 4 digits है, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 4 डिजिट्स है. तो ये जो डिजिट होगी 2^0, 2^1, 2^2, 2^3. ठीक है, मींस कि 4 डिजिट्स के लिए मैंने 4 डॉट्स यूज कर लिए. आप 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हो. नाउ 2^0 कैन बी रिटन एज 1, 2^1 कैन बी रिटन एज 2, 2^2 कैन बी रिटन एज 4, एंड 2^3 कैन बी रिटन एज 8. मींस कि नाउ यू कैन सी कि हमारे नंबर्स इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहे हैं. नाउ क्लियर, हमारे 2 के मल्टीपल्स बढ़ते जा रहे हैं. नाउ 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 इज इक्वल टू 8 प्लस, यहां पे जो नंबर है हमारे पास इसमें से ही कॉम्बिनेशन यूज करना है, प्लस 4 प्लस 2. क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू 14. मींस कि यहां पे जो हमारे बिट पोजीशन यूज हुई, 8 यूज हुआ दिस वन, इसलिए ये हाई होगा. 4 यूज हुआ तो ये 1 होगा, देन 2 यूज हुआ तो ये 1 होगा, ये यूज नहीं हुआ तो 0. मींस 14 अगर डेसिमल में है तो बाइनरी में वैल्यू क्या होगी? 1 1 1 0. ठीक, वन मोर एग्जांपल. सपोज नाउ अब हमें कन्वर्ट करना है 11 को. 11 हमारा डेसिमल में है और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी बाइनरी वैल्यू. ठीक है, तो नाउ अब हमारे पास 8 4 2 1 है. 11 कैन बी रिटन एज, 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 + 2 + 1. मींस कि 8 की पोजीशन हाई होगी. 4 इज नॉट अवेलेबल, मींस कि 4 की पोजीशन पर 0. 2 अवेलेबल है मींस 1, 1 अवेलेबल है मींस 1. तो ये हो गया बाइनरी कन्वर्जन. क्लियर, तो ये मैंने दो नंबर्स के बताए. अब नाउ एक थोड़ा सा हम बड़ा नंबर लेते हैं. सपोज नाउ आई हैव टेकन 56. ये हमारा डेसिमल में है और हमें फाइंड आउट करना है बाइनरी में. तो सबसे पहले तो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड. तो अगर हमने लिखा यहां 56, ठीक है, इसको हमने किया लेस देन इक्वल टू 2^56 है, तो मींस कि 2^6 लेना पड़ेगा. ठीक है, 5 लेंगे तो 32 होता है और हमें इससे ग्रेटर चाहिए, तो मींस कि 2^6, बिकॉज़ 56 और दिस इसकी वैल्यू क्या होती है? 64. मींस कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. तो ये हमारी कितनी बिट चाहिए? 6 बिट चाहिए. अब 6 बिट है तो फर्स्ट बिट की पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी? 1, देन 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32. ठीक है, 2 के मल्टीपल्स में, जैसे यहां था 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32. अब हमें क्या चाहिए? 56. तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 प्लस 16 किया तो क्या मिला? 48 प्लस 8 किया तो हमें क्या मिलेगा? 56. इनकी हमें जरूरत नहीं है, तो दिस वैल्यू इज 0. तो देखा आपने, अगर आपको एक बार आ जाता है तो इट बिकम मोर इजी एंड फास्टली यू कैन कन्वर्ट. ठीक है, 32 प्लस 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 56 होता है. 32 वाज अवेलेबल दैट्स व्हाई 1, 16 वाज अवेलेबल दैट्स व्हाई 1, 8 वाज अवेलेबल दैट्स व्हाई 1. दीस डिजिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो हमने इनकी वैल्यू क्या की? 0. तो व्हाट इज द आंसर? 1 1 1 0 0 0 base 2. ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक चीज और बता देती हूं. अगर आप 2 डिजिट्स यूज कर रहे हो बाइनरी की, बाइनरी डिजिट्स,
बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो रेंज ऑफ डेसिमल नंबर क्या होगी, टू डिजिट्स में होगी 2 to 3, 0 to 3, अगर 3 डिजिट्स हैं तो 0 to 7, अगर आपके 4 डिजिट है तो 0 to 15, अगर आपकी 5 डिजिट है तो ये होगा 0 to 31, अगर आपके 6 डिजिट हैं तो ये होगा 0 to 6 डिजिट हैं तो इट विल बी 0 to 63, ठीक है। ये कैसे निकाल रही हूँ मैं, सिंपल है, आपने लेना है 2 raised to power 6 minus 1, अगर मैं 6 बिट की बात करूँ तो ये क्या होता है 64 minus 1, मीन्स कि इस रेंज का अगर कोई भी नंबर आता है इस बिटवीन ऑफ दीज नंबर्स तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगे, 6। आइदर आप डिवीजन वाला मैथड करो, आइदर ये करो, दिस इज द ईजिएस्ट वे। नाउ अब हम करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। नाउ एग्जाम्पल 1, सपोज मैंने लिया 1101101, अब मुझे पूछता है ये बाइनरी में वैल्यू है तो व्हाट इज द वैल्यू इन डेसिमल बेस 10। तो सिंपल क्या करना है, जिस पोजीशन पे वैल्यू है मींस कि जहां पर आपके नंबर्स अवेलेबल हैं वहां पर हम लिखते जाएंगे। ये क्या होता है 1, इस बिट की वेट क्या होती है 1, इसका 2, 4, 8, 16, 32 and 64, क्लियर। नाउ अब हमारे पास सम कर लेते हैं, ये 1 था दैट्स वाई 64 प्लस 32 वाली बिट भी अवेलेबल है, 32 ऐड हुआ, 8 वाली बिट अवेलेबल है 8 ऐड हुआ, 4 वाली बिट अवेलेबल है 4 ऐड हुआ, 1 वाली बिट अवेलेबल है 1 ऐड हुआ, क्लियर। यहाँ पे देखो आप जो जो अवेलेबल है उसको ही प्लस करना है, इसके करस्पॉन्डिंग 64, इसके करस्पॉन्डिंग 32, इसके करस्पॉन्डिंग 8, इसके करस्पॉन्डिंग 4 और इसके करस्पॉन्डिंग 1। नाउ ऐड दिस नंबर, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 32 प्लस 8 क्या होगा 40, 40 प्लस 64 क्या होगा 104, प्लस 4 क्या होगा 108 और ये क्या होगा 109, मींस कि ये क्या हो गया 109 बेस 10, क्लियर। ठीक, एक छोटा सा भी नंबर ले लेते हैं, पहले वैसे मुझे छोटा नंबर लेना चाहिए था, लेट अगर आपको स्टिल नहीं आया समझ में तो मैं छोटा सा नंबर लेके देख बता देती हूँ। ये नंबर्स है, ये पोजीशन का वेट क्या होगा 1, ये पोजीशन का क्या होगा 2, इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा 8। नाउ जहाँ जहाँ 1 अवेलेबल है 8 के करस्पॉन्डिंग है तो 8 होगा, 2 के करस्पॉन्डिंग है तो 2 होगा, व्हाट इज द सम वैल्यू 10, ठीक है। मींस कि अगर ये वैल्यू बाइनरी में है तो इसके इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा 10, क्लियर। थैंक यू सो मच, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।